सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साकिनाका में CAANPRNCR के खिलाफ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मोर्चे में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया, जहां सभी ने बीजेपी सरकार और RSS की इस रणनीति के खिलाफ में अपना विरोध जताया। इसको समझने को एनआरसी और लागू हुआ आसाम में सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के गहराई में भी लागू हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक नसीम खान तथा एहसान राय, राहुल यादव, नदीम हकीम, आसिफ अंसारी, अब चौधरी नदीम खान, निषाद भाई सहित कई युवा और विद्यार्थी ने जमकर नारेबाजी की और देश के नागरिक होने के अपने अधिकार और आजादी को किसी को छीनने नहीं देंगे, ऐसे कई संवेदनशील बात पर अपना मत सभी के सामने रखा। हिंदुस्तान में खुदा न खासा अगर एनआरसी लागू हो गया तो 130 करोड़ में से मेरा दावा है कि 70 से 80 करोड़ लोग ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हम इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं। और पिछले 6 साल में ये मुल्क बर्बादी के कागार पर जाकर खड़ा हुआ। आजादी के बाद सबसे ज्यादा महंगाई अगर आसमान छू रही है तो पिछले 4-5 साल से छू रही है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर मुल्क में बढ़ी है, हिंदुस्तान में बढ़ी है, तो ये पिछले 4-5 सालों में बढ़ी है। कि अगर इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान नहीं होता तो नसीम खान जैसा आदमी महाराष्ट्र में मंत्री नहीं बनता। और नसीम खान अगर बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की वजह से महाराष्ट्र का मंत्री बना है, उसी संविधान की वजह से गुजरात के प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। एक अमेरिका में ट्रंप सवेरे उठ के शाम तक झूठ बोलने की दुकान खोल के रखा और दूसरा दिल्ली में बैठकर ऐसे गुजरात का दाढ़ी वाला बाबा बोलता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इन्हें होश में आना चाहिए, इन्हें होश में आना चाहिए। सत्ता मिला है खून यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। इसलिए
जिस तरह से मोदी सरकार देश में सत्ता का दुरुपयोग करके, पावर का गलत इस्तेमाल करके, संविधान का उल्लंघन करके सीए जैसा काला कानून इस देश में लोगों पर थोपना चाहती है, आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हर प्रदेश के अंदर लोग सड़कों पर उतरकर उसका विरोध कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी चांदीवली में माढ़ा कॉलोनी में यहाँ के लोगों ने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों ने इस आने वाले काले कानून का निषेध और विरोध किया है। ये बीजेपी की हमेशा से ये घिनौनी एक साजिश रही है देश में। जब भी इस तरह की बात आती है, जब वो लोगों के सामने पकड़ में आते हैं तो अपनी गलतियों को, खामियों को छुपाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा करते हैं कि विरोध करने वालों की संख्या कम है, समर्थन करने वालों की संख्या ज़्यादा बताना चाहते हैं, ये इस तरह का। लेकिन इस देश के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ओबीसी हो, बौद्ध हो, बंजारा हो, हर बिरादरी के लोग, चाहे ट्राइबल आदिवासी हो, सभी बात को समझ चुके हैं कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर पिछले 6 साल में फेल हुई है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज़ादी के बाद इन 2-3-4 सालों में, 5 सालों में बढ़ी है। सबसे ज़्यादा आसमान छूती महंगाई इन 5 सालों में बढ़ी है। देश की इकोनॉमिक पूरे भारत की तहस नहस हो गई है पिछले 4-5 साल में गलत नीतियों के कारण। इन तमाम सारी चीज़ों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ये इस तरह का प्रोपगंडा करके, सीए एनआरसी जैसा प्रोपगंडा लाकर, लोगों में हिंदू और मुसलमानों के बीच की बहस करवाकर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी सरकार और बीजेपी की है। सरकार से हमारी यही मांग है कि इस काले कानून को जितना जल्दी हो सके वापस ले, क्योंकि हिंदुस्तान को जो ये लोग जलाने का काम कर रहे हैं और इन्होंने देख लिया है कि जनता की ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिकती है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस काले कानून को जितना जल्दी हो सके वापस लें, ताकि इस देश में अमन और चैन कायम हो सके और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो आगे बढ़ सके। हिंदू मुसलमान को जो बांटने का काम चल रहा है, वो सरासर काम जो चल रहा है सरकार कर रही है, वो बहुत गलत है। आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा के राज करने के लिए देख रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, जय भीम, ईसाई सब लोग साथ में हैं और एक साथ हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लड़ाई जब तक काला कानून नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। पहले तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, आप लोग बोलते हो कि वो वोट का हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड को वैलिड मानते हैं, तो फिर आप सिटीजनशिप क्यों नहीं मान रहे उसके लिए? आधार कार्ड जब हमारा है, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो उस पर मानना चाहिए कि ये सिटीजनशिप का है। ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांट रही है और मेन मुद्दे से जो रोजगार है, पढ़ाई लिखाई का मामला है, वो उसको छोड़कर हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है। देखिए, हमारी मांग सिर्फ इतनी है ये फांसीवादी सरकार से, ये कह रही है कि हम लोग नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन हम लोग नागरिकता 1955 से दे रहे हैं। हम सरकार को बताने चाहते हैं इनको क्या ऐसा पड़ गया है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। हमारे मूल्य मुद्दे जो हैं, हमको पढ़ाई, हमको रोज़गार चाहिए, जो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा वो आरक्षण दिया जाए, आदिवासी को पास ज़मीन नहीं वो ज़मीन दी जाए, जो बर्बरता से पुलिस पेश आ रही है उसको रोका जाए। हम लोग की लड़ाई जो है संवैधानिक लड़ाई है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांट कर हमको मूल्य मुद्दों से भटका रही है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। और जो NPR है, NPR को रोका जाना इसलिए चाहिए क्योंकि ये जनगणना से बिल्कुल अलग है। हम क्यों अपनी नागरिकता साबित करें, पहले तो सरकार हमें बताई हम क्यों साबित करें। हमारा मुल्क यही है, हम यहीं के हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये देश जो है ना 4 लोगों का था पहले, एक दलित थे, एक OBC थे और एक आदिवासी थे और एक साउथ के द्रविड़ियन थे। तो ये हमारे मुल्क के रहवासी हैं, बाहर के लोग आए हुए आर्यंस लोग, वो हमको कह रहे हैं कि हम नागरिकता साबित करें। हम क्यों नागरिकता साबित करें, पहले तो सरकार हमें क्लियर करे, ये सरकार क्लियर करना चाहिए। ये पहले अमित शाह ने कहा NRC आएगा, फिर कहे नहीं आएगा, फिर मोदी कह रहे आएगा नहीं आएगा, क्या है सर? क्रोनोलॉजी तो पहले उन्होंने समझाया था ना कि SEA आएगा, फिर NRC आएगा, फिर ना जाने क्या आएगा। हम लोग सबके खिलाफ है, ये मुल्क जैसा चलता है, हम लोग आने वाला जो भविष्य है, हम लोग शहीद आजम भगत सिंह, गांधी जी का भविष्य बनाने निकले हैं और वो बना के रहेंगे, इतना तो डन। हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करो,
फिर दूसरा ये है कि जो स्कूल की फीस इतनी बड़ी हुई है, जो हमारे भाई लोग मार खा रहे हैं, वो फीस को रोका जाए। आज सच्चाई है, अगर समाज की सच्चाई ये देखोगे तो MLA और MP का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ सकता है वहाँ मैं नहीं पढ़ सकता, ये सच्चाई है, ये सच्चाई आप लोगों की भी है। दूसरा मीडिया पे जो लोग अटैक करके रखें, प्रसून वाजपेयी को भगाया गया, रवीश कुमार को बोलने नहीं दिया जाता है, जो मीडिया हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फांसीवादी लोग हर अपने इंस्टीट्यूशन पे अपना राज चलाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। आज मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री से यह मेरा पहला ही मांग है कि आइए मोदी जी, जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है, चाहे हम देश की जनता आपको पिलाएगी, लेकिन जनता के मन की बात आप सुनिए। मैं ये मोदी जी से पहला कहना चाहूँगा। और NRC जो जिस सिस्टम पे ये CA लेके आए, ये देश के संविधान के हिसाब से गलत है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जो देश में हमारे सेकुलरिज्म, जो हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं, हम उस पर धक्का ये पहुंचा है। इसके लिए हम लोग इसको आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन को यहाँ तक नहीं, जब तक ज़रूरत पड़ेगी तब तक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी जेल भी जाने के लिए, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। नमस्ते।